तो गाइस आज हम बात करेंगे एक कंप्लेन के बारे में जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है कि मुझे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, या फिर अगर मेरी बॉडी इतनी स्लो है बेनिफिट्स को लेके तो क्या मैं पूरी लाइफ वेट करूँगा जब मुझे बेनिफिट्स आएंगे? नोफैप क्या लाइफ टाइम करूँगा मैं? और वैलिड क्वेश्चन भी है गाइस, हम सबकी हीलिंग की स्पीड अलग अलग है, हम सबके बेनिफिट आने की स्पीड अलग अलग है। तो क्या जिसकी दुनिया में सबसे स्लो है वो क्या 20 साल इंतज़ार करेगा बेनिफिट आने के लिए? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना गाइस। अगर किसी की बॉडी इतनी स्लो है तो उसको इतना वेट वो नहीं कर सकता, तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारे बेनिफिट्स आने का जो स्पीड है ये थोड़ा एक्सपेडाइट हो जाए या बेनिफिट्स हमको जल्दी आने लगे? ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक वो लोगों का ही है जो बोलते हैं कि यार 8 महीने हो गए बट फीमेल अट्रैक्शन नहीं मिल रहा मेरे को, 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। तो गाइस रॉकेट साइंस नहीं है, चक्रास जितनी भी हैं तुम्हारी बॉडी में, इफ़ यू वांट कि चक्रास हील हों फास्ट, तुमको तुम्हारी बॉडी को बेटर कंडीशन में लाना पड़ेगा। बेटर कंडीशन में कैसे लाओगे? तो गाइस बेटर कंडीशन में लाने के लिए तुमको प्रॉपर वर्कआउट्स करने पड़ेंगे, तुम्हारी बॉडी को बेसिकली फिट रखना पड़ेगा। तो गाइस लाइफ के ना एक जब तुमको ह्यूमन काइंड के ना अगर देखोगे ना एज एन इंडिविजुअल, तीन एस्पेक्ट्स हैं तुम्हारा, मेंटल है, फिजिकल है और स्पिरिचुअल है। और तुम्हारा दिमाग भी शरीर में ही है, तुम्हारी जो आत्मा है वो भी शरीर में ही, तो तुम्हारे सारे एस्पेक्ट का कंटेनर तो तुम्हारा बॉडी ही है ना। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ फिट, इट इज़ प्योर, राइट? तो गाइस इसके लिए तुमको प्रॉपर वर्कआउट करने पड़ेंगे, तुम्हारे चक्रास बेसिकली हील होंगे तब जाके तुमको बेनिफिट्स जो दिखते हैं ना ये सारे, ये तुमको बहुत हाई इंटेंसिटी में आने लगेंगे। अभी क्या होता है ना, जब मैं खुद अभी इतने दिनों से मैं नोफैपिंग कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सारे बेनिफिट्स मेरे पास आते हैं और रहते हैं। देर आर सम बेनिफिट्स जो मुझे हर दिन फील होते हैं, लाइक फीलिंग गुड इन द मॉर्निंग, बट सारे बेनिफिट्स मेरे पास हमेशा रहते नहीं। सबकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम रहती है, वो आते हैं चले जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ कि दैट आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, हो सकता है मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए हील होने के लिए। लेकिन गाइस अगर तुम चाह रहे हो कि तुम सेटिस्फाई नहीं हो इसके अपने प्रोसेस से और तुम चाह रहे हो कहीं ना कहीं कि मेरे को बेनिफिट्स इससे थोड़ा सा स्पीड में आए, तो गाइस याद रखो कि अब तुम्हारे वर्कआउट करने का टाइम आ गया, ठीक है? सुबह उठने का और थोड़ा सा पसीना बहाने का सुबह सुबह टाइम आ गया। क्योंकि गाइस जब तुम एक फिटनेस का लेवल अचीव कर लेते हो ना लाइफ में, तुम्हारी बॉडी अब तुम्हारे बेस्ट शेप में चल रही है, उस केस में क्या होता है ना कि ऑब्वियसली तुमको ना बहुत मेंटल पावर चाहिए होता है एक सुबह उठने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा ना एक मेंटली जो एस्पेक्ट होता है ना वो भी बेटर हो जाता है। सोचो अब तुम फिजिकल वर्कआउट से भी तुम्हारा मेंटली तुम स्ट्रांग हो रहे हो, नोफैप भी तुमको मेंटली स्ट्रांग कर रहे, तो दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं तुम्हारे बेटरमेंट के लिए, तो तुम सोच सकते हो कितना बेनिफिट होगा तुम्हारे लिए। और फीमेल अट्रैक्शन नहीं आ रही गाइस, थोड़ा सा खुद पे केयर भी करना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि तुम सिर्फ नोफैप करने लगोगे तो तुम मतलब अपने आप को केयर नहीं कर रहे हो, तुमको वो सब चीज़ें भी देखनी है कि मैं फिटनेस, पहले तो फिटनेस एक नंबर पे रखो फिटनेस, क्योंकि फिटनेस आएगी तुम्हारी सारी गुण तुमको लेके खुद ब खुद ही आ जाएगी तुम्हारे। तो गाइस फिटनेस कहने का मतलब यही है कि तुमको सुबह उठना है। मैं 4:45 पे उठता हूँ, लेकिन तुम इसके पहले भी उठ सकते हो तो उठ जाना, अगर तुम स्टूडेंट हो तो शायद तुम्हारे लिए पॉसिबल भी हो, क्योंकि रात रात भर पबजी खेलने से कुछ होने वाला नहीं है गाइस, ठीक है ना? फीमेल अट्रैक्शन की बात नहीं है, फीमेल अट्रैक्शन तो मेरे को अगर मैं ऑनेस्टली किस दिन फीमेल अट्रैक्शन के बारे में सारी डिटेल्स बताने लगूंगा ना तुमको इस वीडियो पे, तुम बोलोगे ना कि सब झूठी कहानियां चल रही, ऐसी हालत हो गई है। मतलब पहले से तो बहुत ही बेटर, लेकिन गाइस अब हम यहाँ पे बेनिफिट्स के आने की बात कर रहे हैं। तो गाइस एक बात जान लो कि तुमको सुबह उठना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा थोड़ा तुम्हारी। अब तुम भाई अब तुम 5 साल से ओवर ईटिंग कर रहे हो, 10 महीने की नोफैप से तुम्हारा वेट तो नहीं कम हो रहा ना गाइस, उसकी तो अपनी स्पीड है तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की। तो सोचो ना इतने साल का डैमेज किया हुआ है तो इसको हील होने के लिए भी तुमको टाइम देना पड़ेगा। तो बेस्ट थिंग यही हो सकती है सारे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए कि तुम सुबह उठो, यस तुमको हो सकता है शाम को भी कन्वीनियंट हो, हम सब की लाइफ अलग अलग लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड है मेरे को पता है,
तो तुम्हारे कन्वीनियंट के हिसाब से तुमको अपना एनर्जी का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सुबह उठना बहुत इरिटेटिंग लगता है गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है। अब तुम रात को दो रोटी ज़्यादा खा के सो रहे हो ना गाइस, तो सुबह आँख नहीं खुलेगी तुमको। इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा खाना उतना ही खाओ जिसमें थोड़ी भूख रह जाए। तो अगर ये तुम्हारे लिए पॉसिबल हो जाता है तो एक स्टेप और तुम आगे जा रहे हो बेनिफिट को जल्दी पाने के लिए। लेकिन गाइस ये सब चीज़ें काम करती हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं, मेरे को मन में आया और मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि ना बॉडी ही कंटेनर है इन तीनों चीज़ों का। जैसे मैंने तुमको बताया, तुमको बेनिफिट जल्दी चाहिए तो तुमको कंटेनर क्लीन करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कंटेनर क्लीन होगा, यानी जितनी जल्दी तुम्हारी बॉडी प्योरिटी की तरफ जाएगी, उतनी जल्दी तुम्हारा फिर माइंड जाएगा, उतनी जल्दी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जाएगी। तो यही था गाइस, थैंक यू वेरी मच।